बिजनेस उधारने का काम करने वाले एक शख्स को ज्यादा पैसा कमाने का लालच आया और वो इसमें की तस्करी करने लगा। अब ये इसमें एक तस्कर पुलिस के हाथ लग गया है। काशीपुर पुलिस टीम को इसमें एक तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि थाना प्रभारी मनोज रातुड़ी के नेतृत्व में की जा रही चेकिंग के दौरान ढेला पुल के पास से सुल्तान खां को पकड़ने पर उसके पास से 1 किलो 24 ग्राम इसमें एक बरामद की गई है, जिसने पूछताछ में बताया कि वो बिजली मिस्त्री है जो ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इसमें एक तस्कर रेशमा के संपर्क में आ गया और इसी लालच में बरेली से स्मेक लाकर काशीपुर में अलग अलग लोगों को बेचने लगा। पकड़ी गई स्मेक को रेशमा की दूसरी पेडलर शमीम, जहां वे उसके बेटे अनस के द्वारा ली गई थी, जो जिसको रेशमा के द्वारा बताई गई जगह ले जा रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। काशीपुर थाना पुलिस ने इनपुट के आधार पर सही सटीक काम करते हुए रैंडम चेकिंग पर हमारे अभियुक्त सुल्तान खान पुत्र मन्ने खान 40 साल का है, निवासी बांसपोड़ान का है, उसको 1 किलो 24 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। बाइक के साथ 1 किलो 24 ग्राम का स्मैक वैल्यू है, आज तक का उत्तराखंड का हाईएस्ट रिकवरी है, उत्तराखंड के इतिहास का, और इस साल का तो है ही हाईएस्ट रिकवरी पूरे प्रदेश का। लगभग 1 किलो को, अब 1 ग्राम को 10 से 12 हजार भी पकड़ ले हम तो 1.25 करोड़ से भी अधिक मार्केट वैल्यू है उसका। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।